तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्यूब रूट निकालना है आपको, क्यूब रूट तो 3 लिखा है हमने ऑफ माइनस, तो माइनस को आप भारी रखिए 0.50 एंड 1, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस भारी है, डेसिमल रिमूव कीजिए, तो यहाँ आपके नीचे 6 0 आ जाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद आपके 6 डेसिमल प्लेसेस हैं। नाउ क्यूब रूट, अब देखिए 6 0s हैं और आप क्यूब कर रहे हो, तो 3 का एक 1 सेट बनता है, ट्रिपलेट बनता है, 1 2 3 1 2 3, एक ग्रुप बना, इसका एक ग्रुप बना, तो जब आप स्क्वेयर क्यूब रूट निकालोगे तो जब 1 का क्यूब रूट क्या होगा, 1 ही होगा, अब इसका क्या होगा, इस ग्रुप का 1 0 बाहर आएगा, देन इस ग्रुप का 1 0 बाहर आएगा, तो -1/100, तो ये आपका क्यूब रूट हो जाएगा इस वैल्यू का। 3 0 है, 3 0 से 1 0 और इन 3 0 से ये 1 0 आएगी, तो यानी अगर आपकी 2 पेयर है यहाँ पर, 2 सेट है, तो यानी 2 0, अकॉर्डिंगली 3 सेट हो जाएंगे तो 3 0 हो जाएगी, तो इस तरह से आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यूब रूट का, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है 216 एंड 64 का। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज क्या है, मल्टीप्लाई है, तो आप इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है, आप 4 × 3 अलग अलग भी लिख सकते हो, और एक ही बात है 4 × 3 है, 4 × 3 = 12, तो आप सेपरेट लिखो या एक साथ लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब 216 का आपको निकालना है क्यूब रूट, यहाँ 6 से अगर डायरेक्ट करें तो आपको यहाँ से मिल जाता है 6 और 64, 4 से अगर करें 4 × 1 = 4, 16, 4 × 4 = 16 एंड 4 × 4 = 4, तो इसका क्यूब कितना आए हैं फैक्टर्स, 216 के फैक्टर्स कितने हैं, 6 × 6 × 6 एंड 64 के फैक्टर्स कितने हैं, 4 × 4 × 4, तो आप देखिए ट्रिपलेट्स बन गए, 3 का एक सेट बन गया है, तो जब इस साइन से क्यूब रूट से जब बाहर आएंगे तो एक सिंगल 6 आएगा, और इधर देखिए मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा था तो वो स्क्वेयर रूट हो गया, लेकिन अब 3 लिखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं क्यूब रूट, तो यहां से ये पूरा ग्रुप बाहर आएगा इस क्यूब रूट से, तो सिंगल आएगा 4, तो 6 × 4 = 24, तो दिस विल बी योर आंसर, तो यहाँ ऐसे सॉल्व करना है।